आज के वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ शिप्स अकोमोडेशन टूर, यानी कि हमारी अकोमोडेशन का टूर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जो हमारा लिविंग स्पेस है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कैप्टन अंकित कौशिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल COS कैप्टन अंकित ऑन सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकोमोडेशन टूर की स्टार्टिंग करेंगे हम सी डेक से, जो कि सबसे हाईएस्ट लिविंग डेक है। इसके नीचे बी डेक और ए डेक है। ये जूनियर ऑफिसर्स के कैबिन है स्टारबोर्ड साइड में, और मेरा कैबिन भी स्टारबोर्ड साइड में है, जो एक कॉन्फ्रेंस रूम। और ये सी डेक एलीवे है, इसके पोर्ट साइड में चीफ इंजीनियर का कैबिन है और बाकी हमारे जो इंजीनियरिंग ऑफिसर्स हैं उनके कैबिन है। इसके ऊपर ब्रिज है। ये अकोमोडेशन का सबसे हाईएस्ट डेक बोल सकते हैं। ये ओनर्स कैबिन है। और अब चलेंगे हम ब्रिज की तरफ। ये इंफॉर्मेशन बोर्ड है, ये सी डेक, बी डेक, ए डेक। सी डेक वाइट कलर से हाईलाइट किया हुआ है, तो सारे कैबिन्स की इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ये बोर्ड से देख सकते हैं हम। ये स्टेयर्स हैं जो ब्रिज के लिए जाते हैं, ये ब्रिज के एंट्रेंस। और ये ब्रिज में एंटर किया हमने। ड्यूटी ऑफिसर्स और ड्यूटी ए भी हैं, अभी वॉच पर हैं दोनों। मेरा फिलिपिनो ऑफिसर्स, फिलिपिनो क्रू है शिप पर। और ये वर्क एरिया है, थर्ड ऑफिसर काम कर रहा है यहाँ पे, मैं भी काम करता हूँ। अब चलते हैं नीचे की तरफ, सी डेक। सी डेक से अब चलेंगे नीचे वाले डेक पर, बी डेक पर। ये बी डेक एलीवे है, ऑलमोस्ट देखने में सी डेक जैसा ही है, आइडेंटिकल। यहाँ पर मोस्टली क्रू है हमारे, जितने भी रेटिंग्स हैं, डेक रेटिंग्स एंड इंजन रेटिंग्स, वो मोस्टली सब लोग बी डेक पर हैं, उन सबके कैबिन्स। और ये एक वाईफाई राउटर है जो हमने लगाया हुआ है। ऐसे वाईफाई राउटर सारे डेक्स पर हैं, जिससे कि क्रू वाईफाई यूज़ कर पाए अपने कैबिन्स में। सो ये डेक पर आ चुके हैं हम लोग। ये वापस इंफॉर्मेशन बोर्ड, ये इंफॉर्मेशन बोर्ड हर एक डेक पर मिलेगा। ये डेक एलीवे है, ये है हमारा शिप्स ऑफिस एंड कार्गो कंट्रोल रूम, जहाँ से कि कार्गो कंट्रोल होता है, पूरा लोडिंग डिस्चार्जिंग ऑपरेशन होते हैं। ये सब हमारा कार्गो पैनल है, और ये साइड में फ्रेमो पंप का पैनल है। यह है हमारा एडिशनल थर्ड ऑफिसर, काम में बिजी। चीफ ऑफिसर को देख रहा था, चीफ ऑफिसर दिख नहीं रहा, शायद आई थिंक कॉफ़ी पीने गया होगा। आज संडे का दिन है तो सब लोग रिलैक्स मोड में हैं। ये एक वाईफाई राउटर है ए डेक पर, और ये एक और कैबिन है, ये ए डेक पर है। और आगे चलेंगे, ए डेक एलीवे है। पोर्ट साइड में क्रू मेस है, स्टारबोर्ड साइड में ऑफिसर्स मेस है। और ये है CCR के साथ में जो शिप्स ऑफिस है, बाहर से शोर से कोई आता है तो लोगों को बिठा कर यहाँ पर हम लोग एंटरटेन करते हैं। ये क्रू मेस रूम है, क्रू मेस रूम के साथ में क्रू का रिक्रिएशन रूम भी है उनके एंटरटेनमेंट के लिए। ये हमारा क्रू है, सब लोग बिजी हैं। अरे वाह, PS4, सो PS4 चल रहा है आज। गुड इवनिंग कैप्टन। गुड इवनिंग चीफ। ये हमारे चीफ ऑफिसर है, संडे का दिन है, चीओ सर भी एंजॉय कर रहे हैं। ऑल इन माय हैंड, ऑल इन योर हैंड, एंजॉयिंग संडे है। तो चलते हैं अभी। ये एक ड्यूटी मेस है, रूम मेस के साथ में, जब लोग ड्यूटी पर होते हैं तो यहाँ पर बैठकर खा सकते हैं। ये गैली है हमारी, यानी शिप की किचन, ये सेंटर में होती है। इसके एक साइड में ऑफिसर्स का मेस रूम है, दूसरे साइड में क्रू का मेस रूम है। ये प्रोविजन स्टोर रास्ता है, ये डिश वॉशर एज़ यूजल। नीचे जाएंगे तो प्रोविजन स्टोर है, जहाँ पे हमारा राशन स्टोर रहता है, ऑलमोस्ट अराउंड वन मंथ से ऊपर, कभी कभी उतना प्रोविजन कैपेसिटी हमारे पास होती है। ये एक बॉन्डेड स्टोर है, इसमें आइटम्स होते हैं कुछ, जो लाइक चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक, एडिशनल आइटम्स, जो क्रू के लिए बड़े सब फ्री नहीं होता, इसके लिए पे करना पड़ता है। ये बाकी रिफर चैम्बर्स थे हमारे। और ये एक साइड में आएंगे, केबल ट्रंक है, ये कुछ और एरियाज हैं। ये एक ये डेक पर कैप्टन एंड चीफ इंजीनियर्स ऑफिस है, जो बाहर शोर से अगर कोई आता है उनको अटेंड करने के लिए। ये इंफॉर्मेशन बोर्ड है, ये पूरा हमारा एडेक। एडेक बेसिकली लिविंग कैबिन्स एक दो ही हैं, मेनली सारा वर्किंग एरिया है यहाँ हमारा। और बी डेक सी डेक है लिविंग एरिया, और उससे नीचे आएंगे अपर डेक है बी डेक के नीचे, देखिए इन्फॉर्मेशन बोर्ड में आप देख पाएंगे। और ये हमारा अपर डेक है, इस पर हमारी लॉन्ड्री है,
लॉन्ड्री एंड ड्राइंग रूम, वो अंदर ड्राइंग रूम है जहाँ कपड़े ड्राई करते हैं, जिमनाजियम है यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस, ये है हमारा जिम छोटा मोटा सा, थोड़ा ठीक ठाक, बहुत अच्छा नहीं है बट काम चल जाता है, सारे इक्विपमेंट्स हैं बेसिक जो चाहिए। ये इंटरकॉम फोन है यहाँ जिम में, और ये चेंजिंग रूम है, यहाँ से इंजन रूम के लिए रास्ता जाता है, बस डेक पे जाने के लिए भी रास्ता है ये, तो लोग यहाँ चेंज करते हैं अपने सेफ्टी गियर्स और फिर चेंज कर कर आगे जाते हैं। जब अकोमोडेशन में आते हैं तो वापस यहाँ चेंज करते हैं और फिर वापस अपने कैबिन्स में आते हैं, क्योंकि बाहर काम करते हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, सो इसके लिए ये है। ये एंट्रेंस है इंजन रूम में जाने के लिए, जो इंजीनियरिंग ऑफिसर्स हैं हमारे चीफ इंजीनियर हैं वो ये एंट्रेंस यूज़ करते हैं। और ये है फोम एंड फायर कंट्रोल रूम, अगर शिप में फायर हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए। ये है हमारा एयर कंडीशनिंग रूम, मैं आपको अपना एसी प्लांट दिखाता हूँ शिप का। ये है हमारा एसी प्लांट जो पूरे शिप की कूलिंग होती है, जो इतना बड़ा प्लांट आपको दिख रहा है, पूरा शिप हमारा सेंट्रली एसी है। तो ये इसका पैनल है, ये बेसिकली पूरी एयर कंडीशनिंग यूनिट है प्लस उसकी और जो सब यूनिट्स हैं। और ये वापस आ गया मैं अपर डेक पर, अब चलेंगे वापस, तो बस इतना ही है अपर डेक तक, और ऊपर चलकर ब्रिज विंग में चलते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा अकोमोडेशन टूर, अब मैं ब्रिज डेक पर आ चुका हूँ, ब्रिज विंग में हूँ, और मोर ऑर लेस सारे कार्गो शिप्स का अकोमोडेशन ऐसा ही होता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, जो छोटे शिप्स होते हैं उनमें थोड़ा छोटा होता है, जो बड़े शिप्स होते हैं उनका थोड़ा बड़ा होता है। कंटेनर शिप्स में अकोमोडेशन थोड़ा सा हाई होता है विजिबिलिटी के लिए, टैंकर शिप्स का और बाकी शिप्स का अकोमोडेशन कंपैरेटिवली लो होता है। बस ये थोड़े बहुत वेरिएशंस हैं, अदरवाइज मोर ऑर लेस अकोमोडेशन डिज़ाइन एक जैसा ही होता है सारे शिप्स का। और इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, मेरा चैनल CEOS कैप्टन अंकित सी इसको सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू सो मच।